हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, आज एकादशी तिथि है। आज किसने किसने एकादशी व्रत रखे, कौन कौन एकादशी व्रत, सब एकादशी व्रत। इसलिए आज जो एकादशी है ये द्वादशी युक्त ये एकादशी है। देखना कभी कभी एकादशी आती है जो स्मार्तलोक और वैष्णव लोग एक दिन में ही वो एकादशी करते हैं, लेकिन कभी कभी एकादशी जब द्वादशी में लग जाए वो द्वादशी युक्त जो एकादशी का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए आज जो एकादशी है ये व्यंजला महाद्वादशी है, ये महाद्वादशी के साथ भी ये जुड़ा हुआ, इसलिए आज का एकादशी का बहुत बहुत महत्व है। इसलिए पहले मैंने सुनाया था ना एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब है एकादशी करते हुए जो ठाकुर जी से मांगोगे ठाकुर जी सब इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। इसलिए आज ये जो योगिन एकादशी इसको बारे में आज हम थोड़ी सी सुनेंगे। आज एकादशी जो कर रहे हैं उसका हाँ, अब लेने के लिए आए तो तू खड़े क्यों थे, मेरे को बोलना चाहिए था ना। हाँ बैठो, मैं दो मिनट में। इसलिए आज ये योगिनी ये एकादशी व्रत है। कहते ये जो कथा है भगवान कृष्ण स्वयं श्री युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा की क्या महत्व है। कहते ये जो जो योगिनी एकादशी है, कहते इसमें युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण आप बताओ ये एकादशी व्रत करने से क्या मिलेगा। तब भगवान कहते तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये कथा को ध्यान देकर के सुनो, ये एकादशी व्रत का क्या महत्व है। कहते एक है, कहते ये अलकापुरी में हैं, कहते एक राजा, लेकिन वो फूल लेकर के वो देते थे कुबेर को। कुबेर जी ये शंकर जी को रोज पूजा करते थे, लेकिन उसका जो पत्नी जो थी, इसकी जो यक्षकी, उसको पत्नी उसका नाम थी विशालाक्षी। विशालाक्षी मतलब आँख जिसकी बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी सुंदर आँखें। और सचमुच से उसका जो पत्नी बहुत ही सुंदर थी, वो इतने सुंदर थी उसको प्रति वो यक्ष बहुत आसक्ति था। ये रोज फूल लेकर के देते थे किसको, कुबेरे को। कुबेरे शंकर जी की पूजा करती थी, उसने अपना पत्नी को तो प्रेम करता था ज़्यादा, मतलब आज जो फूल है ना आज हम नहीं देंगे कुबेर को, आज ये फूल लेकर के अपना घर में जाऊंगा और सुंदर सुंदर माला बना करके अपना बीबी को मैं सजाऊंगा। तो उन्होंने वो फूल लेकर के वो शंकर जी की सेवा में नहीं दिया, अपना पत्नी को लेकर के अपना घर में सजाया, पत्नी को साथ में रहा उसी दिन। इतने में 6 घंटा तक वो अपेक्षा किया कुबेर ने, फूल लेकर के आएगा शंकर जी की पूजा होगी, जब आया नहीं। इतने में एक व्यक्ति को भेजा, जाकर देखो तो क्या कर रहा है, 6 घंटा हो गया शंकर जी की पूजा निकल गया, क्या कर रहे हैं, जाकर देखा पत्नी को साथ मस्त है विषय भोग कर रहा है। और उसने बोले तुमको बुला रहा है कुबेर जी, सुन करके वो कांपते कांपते आया, आ करके उनके चरण में गिरा, माफी मांगा, बोले दुष्ट कहाँ शंकर जी की सेवा में फूल लगता था, तुम ये फूल को लेकर के अपना बीबी को श्रृंगार किया है, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तुम ये स्वर्ग लोग को छोड़ करके मरते जगह जाओगे और तेरे को कूड़ हो जाएगा सारा शरीर। जो विषय भोग कर रहे हो पत्नी को साथ में, वो पत्नी को साथ में रह ही नहीं सकते हो। आप ये अभिशाप सुन करके वो तो कांप उठा, फिर उसको मरते जगत में जन्म हुआ, होने पर ये मरते जगत में उसको कुष्ठ और सारा शरीर में कूड़ समझते कि नहीं, कुष्ठ व्याधि उस बीमारी सही नहीं होता है। इसको हो गया ना हमारे गाँव में देखते थे, उसको पूरा गांव से निकाल देते थे, वो सहज नहीं होता, हाथ पैर गल जाती हैं। इतने दुख कष्ट उसने जीवन में बिताया, इतने दुख कष्ट, रात में नींद नहीं आती कि पत्नी उसकी छूट गई, इतने सुंदरी पत्नी थी, राज ऐश्वर्य सब छूट गया, दर दर भटक रहा है, इतने दुख कष्ट भोग कर रहा है। ऐसे दुख कष्ट भोग करते करते हठात क्या हुआ, एक समय एक ऋषि को साथ में उनकी मुलाकात हुई है। कहते श्री मार्कंडेय ऋषि से उनको मुलाकात हुई, होने पर ऋषि को देख करके क्यों, उसने पूर्व जन्म में क्या करता था, फूल लेकर के जो देता था वो शंकर जी की सेवा होती थी, शंकर जी वैष्णव, चूंकि उसने जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया था, पुण्य कर्म वजह से
वो तो दूसरा बार जन्म लेकर कुष्ठ व्याधि हुआ, लेकिन उसका स्मृति है, पहले मैंने ऐसे शंकर जी की सेवा के लिए देता था और मैंने एक दिन गलती की वजह से हो गया। संतों को देख करके जानते हैं, संत जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, कहते भाग्य जो नहीं कर सकता है संत वो काम कर सकते हैं। उनने जाकर बारम्बार उनने प्रणाम किया ऋषि के चरण में, उन्होंने बारम्बार उनने मार्केट ऋषि के प्रणाम किया। संत बड़े दयालु बड़े कृपालु, बोले बेटा इधर आ, क्या बात है? तो उन्होंने सारी बात बताया, पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे कर्म की और कैसे ये दुष्कृति से मेरे को ये पाप जोनि कैसे प्राप्त हुआ। बोले बाबा आप कृपा करके बताओ ऐसे क्या कर्म कुछ है जो कि ये कुष्ठ व्याधि से मुक्त हो करके फिर अपना धाम में जा सकता हूँ। बोले हाँ, कहते आज का जो एकादशी है, हैं कहते ये आज का जो एकादशी है, कहते अगर ये एकादशी व्रत का अगर तुम अच्छे तरह से पालन करोगे, ये तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में ये योगिनी एकादशी, अगर ये एकादशी को तुम अगर ठीक ठीक से पालन करोगे, कहते ये एकादशी का फल से एकादशी में इतने शक्ति है, हैं इसलिए आप लोग देखना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम समय में पड़ा हुआ, बिस्तरा में पड़ा हुआ, प्राण नहीं जा रहा है, बड़ा कष्ट दुख पा रहे, किसी ब्राह्मण को बुलाओ जल्दी से जल्दी इसकी मुक्ति कैसे होगी? देखना कोई बार व्रत का नाम नहीं बताया, बताए भाई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो, इतने महिमा इतने महिमा। इसलिए क्या तुम ये एकादशी को निर्जला एकादशी करो ठीक से, और करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करना, फिर इसका फल से मुक्त हो जाओ। सचमुच से उसने जब ये एकादशी व्रत की, दूसरे दिन सारे पाप उसको नष्ट हो गया, फिर उन्होंने पुनः स्वर्गलोक में गमन किया, फिर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने लग गया। इसलिए कहते आज का एकादशी जो करेगा उसको कितना फल मिलेगा, कहते 99,000 ब्राह्मण संतों को भोजन कराने का जो फल है, कहते आज एकादशी व्रत अगर कोई करेगा तो उसको इतनी उसकी पुण्य प्राप्ति होगी। लेकिन जो वैष्णव लोग हम लोग हैं, हम लोग ये पुण्य कर्म के लिए सब काम नहीं करते हैं। कहते एकादशी को बताया भक्ति जननी, ये माधव तिथि, ये तिथि भगवान कृष्ण का व्रत है, इसलिए इसको भक्ति की जननी, भक्ति की माँ है। इसलिए ये एकादशी व्रत करने से क्या होगी, ठाकुर के चरण में हमारी प्रेम बढ़ेगी, और इसी प्रेम से ही एक दिन हम श्री राधा कृष्ण के चरण में भक्ति प्राप्त करके हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते। स्वर्ग तो तब तक स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं हो जाता है, पुण्य खत्म होते ही फिर गिरोगे। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम ठाकुर जी के पास में गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। जाने से कृष्ण कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ब्रह्म, जिस धाम को जाने से फिर कभी जीव संसार में आएगा नहीं, जहाँ परम शांति परम सुख ठाकुर का नित्य परिकर बन करके उनकी चिरकाल के लिए उनको सेवा सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का जो एकादशी इसका विशेष विशेष महत्व है। इसलिए आप लोगों ने जो एकादशी व्रत रखे हो, कल एक काम करना, क्या करना, 9:30 बजे को अंदर में जैसे आप व्रत खोलते हो ना चावल, जैसे ठाकुर को रोटी नहीं तो चावल भोग लगा करके उसको 9:30 बजे अंदर में सूर्य उदय के बाद में आप लोग उसको ग्रहण कर लेना। ग्रहण करने से आपका एकादशी व्रत खुल जाएगी और एकादशी का जो भक्ति फल आपकी प्राप्ति होगी। ठीक है, प्लस वृंदावन।